हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कदन पर। आज हम देखेंगे 29 अगस्त 2021 के बेस्ट करेंट अफेयर। पहला आर्टिकल टोक्यो पैरालंपिक 2020 से रिलेटेड है। ठीक है, भले ही 2021 में चल रही है लेकिन ये 2020 के नाम से ही जाना जाएगा। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक चल रही है जी। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से खबर अच्छी है। एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं भवीना पटेल, उन्होंने हिस्ट्री रचा है जी, और वो फाइनल में जगह बना लिए हैं टेबल टेनिस में, यानी सिल्वर मेडल तो कंफर्म कर लिए हैं। आज फाइनल उनका चल रहा है, तो देखते हैं फाइनल के बाद अगर वो हो सकता है गोल्ड में भी, ये सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, देखते हैं क्या होता है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में हमने कुल 7 मेडल जीते, 1, 2 और 4 ऐसे याद कीजिए, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। अब हम पैरालंपिक में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। 27 अगस्त को इन्होंने साइन किया 1,349 करोड़ रुपये का महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ। अब महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड क्या देगा, 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर देगा जी, और देगा किसको, इंडियन नेवी को। ठीक है, डिफेंस सूट देगा। एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कंपनी के साथ वाई एंड मेक इंडियन है ना, ये कैटेगरी में, और ख़ास करके इसका सिग्निफिकेंट है बूस्ट टू इंडियन आत्मनिर्भर भारत मिशन। अगला आर्टिकल देखेंगे, भारत सीरीज बीएच सीरीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इंट्रोड्यूस किया है जी एक नई रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल अंडर द भारत सीरीज। ठीक है, और इसमें एक्चुअली ये फैसिलिटेट किया गया है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल, रीड व्हाट इज भारत सीरीज एंड हाउ इट विल बेनिफिटरी व्हीकल ओनरशिप, ये सीमलेस सब होगा जी। आगे देखेंगे, टोकनाइजेशन सर्विसेज, तो RBI ने परमिट किया है। देखिए, पहले क्या था ना कि कार्ड पेमेंट होता था ये सब चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी में, तो थ्रू मोबाइल या फिर टैबलेट ये होता था, लेकिन पहले 2019 में जब आया था, अब RBI ने इसको स्पेशलाइज्ड किया है जी टोकनाइजेशन को, और इसको बढ़ा करके लैपटॉप डेस्कटॉप बियरेबल्स जैसे रिस्ट वॉच बैंड ये सब, या फिर IoT जो बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब से किया जा सकता है। बात RBI की आई है तो RBI के बारे में जानिए, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुआ था जी। ओनरशिप ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होगा, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जी जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, इंडियन रुपीज़ इसका करेंसी है। अगला आर्टिकल ओलंपियन चंद्रशेखरन से हैं, तो ये महान फुटबॉलर रहे हैं जी, ये डिफेंडर थे, इनका नाम ओ चंद्रशेखरन था, चूँकि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे 1960 के रोम ओलंपिक्स में, और ये डिफेंडर थे, तो इसलिए इनको ओलंपियन चंद्रशेखर नाम दिया गया। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है जी, ये केरला से संबंधित थे, मतलब केरला के रहने वाले थे। तो बात केरला की आई है तो केरला के बारे में जान जाइए, केरला के जो स्टेटहुड का परमिशन मिला था 1 नवंबर 1956 को मिला था, तिरुवनंतपुरम इसके कैपिटल हैं, पहले इसका नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। 14 जिले हैं जी यहाँ, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें, और हाई कोर्ट इसका है कोच्ची में, केरल हाई कोर्ट, केरल का हाई कोर्ट जो है वो कोच्ची में है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जानेंगे केरल में जो नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क है जी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पवमदुम 16 नेशनल पार्क है जी, पेरियार नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को आपको पता ही होगा। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क है। मैथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क भी यहीं है, और एराविकुलम नेशनल पार्क भी केरला में ही है जी। तो ये केरल के 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, ग्वारेक्स, तो भैया इंडिया के फर्स्ट सेक्टरल इंडेक्स इन द एग्री कॉमोडिटीज बास्केट, इसका नाम दिया गया है ग्वारेक्स। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX के द्वारा। ग्रोएक्स इज अ प्राइस बेस्ड सेक्टरल इंडेक्स दैट ट्रैक्स द मूवमेंट इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट एंड ग्वार सीड्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ठीक है। और ये एक प्रकार के अपॉर्चुनिटी है जी, खास करके वैल्यू चेन के लिए। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्वार का, और इंडिया में राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जी, करीब 80%। अब बात एनसीडेक्स की बात करेंगे तो इसके सीईओ विजय कुमार वेंकट रमन है, और एनसीडेक्स का फाउंडेशन हुआ था 15 दिसंबर 2003 को। एनसीडेक्स के हेडक्वार्टर मुंबई में है जी, तो इतना आपको एनसीडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। कोर्ट ऑफ अपील, तो भैया दुबई कोर्ट ने अनाउंस किया है एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाने के लिए, और इसका फोकस होगा कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग विद इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोर्ट ऑफ अपील। समझ गए आप, ये दुबई ने किया है। दुबई कहाँ है, यूएई में है, यूएई के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होगा वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होगा, ये याद रखेंगे। चलिए अब यूएई के बारे में फटाफट जान लेते हैं। यूएई की बात करें तो इसकी कैपिटल अबूधाबी है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो वो दुबई है जी। दुनिया के बहुत प्यारा सिटी कहा जाता है, लोग इस सिटी को पसंद करते हैं। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, करेंसी यूएई दिरहम चलता है, लेजिस्लेचर में को यहाँ पर फेडरल नेशनल काउंसिल कहते हैं। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो खलीफा बिन जायद अल नहान है, वहीं पीएम प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका नाम है मोहम्मद बिन रसीद अल मखतूम। आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसका। आज का आखिरी टॉपिक है जी 12% क्लब। तो ये भारत पे आप जानते हैं गूगल पे है, फोन पे है, वैसे ही भारत पे है, इंडियन गवर्नमेंट का ही है। इन्होंने लॉन्च किया है 12% क्लब, और इसमें क्या होगा एक्चुअली, ये कंज्यूमर को, जैसे अगर आप इसके चलाते हैं तो इसके 12% पे आप ले सकते हैं इसमें से लोन, या फिर आप दे भी सकते हैं, किसी को देना होगा तो 12% पे आपको दे सकते हैं आप एनुअली जी, ठीक है। और ये लेन देन क्लब ने RBI अप्रूव किया है एज ए NBFC, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह। अगर हम बात करें फोन पे भारत पे के, तो इसके CEO हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं असीर ग्रोवर, और इसका हेड ऑफिस भारत पे का है न्यू दिल्ली में जी, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का है। भारत पे का फाउंडेशन हुआ था 2018 में गूगल पे फोन पे ये सब के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।